हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है आलू मसाला बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आलू मसाले की सब्जी बनाना। आलू मसाला बनाने के लिए ये हमने उबले हुए 1 किलो आलू लिए हैं। इसको हमने इस प्रकार से उबाल के कट कर लिया है। और ये कुछ मसाले लिए हैं, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच हमने गरम मसाला और आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है। और ये कुछ हमने लहसुन लिया है, 8 से 10 कलियाँ लहसुन लिए हैं, इसको हमने बारीक कट कर लिया है। और ये 1 अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको भी बारीक कट कर लिया है। 2 हमने बड़े टमाटर लिए हैं, इसको भी बारीक कट कर लिया है। 3 हमने प्याज लिए हैं, इसको हमने लंबे टुकड़ों में इस प्रकार से कट कर लिया है। तो आइए बनाते हैं आलू मसाला। ये हमने कढ़ाई ली है, ये हमने लोहे की कढ़ाई ली है, इसमें हम आलू मसाला तैयार करेंगे। अब मैं कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल मैंने 2 बड़े सर्विंग स्पून के आसपास ऑयल लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें चुटकी भर हींग डाल दूंगी और साथ ही मैं ये सरसों के दाने डाल दूंगी और इसमें लहसुन भी डाल दूंगी मैं और साथ ही अदरक के टुकड़े बारीक कर डाल दूंगी इसमें। और अब मैं इसमें ये प्याज डाल रही हूँ और ये मैंने 10 से 15 कड़ी पत्ते लिए हैं और ये भी इसी में डाल रही हूँ मैं। और इन्हें मैं भून लूंगी अच्छे से। और ये हमारे प्याज भून चुके हैं, अब मैं इसमें ये मसाले डाल दूंगी और साथ ही मैं ये टमाटर डाल दूंगी इसमें और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। और अब मैं इसमें ये हरी मिर्च डाल दूंगी कटी हुई। ये मसाला हमारा भुन चुका है, अब मैं इसमें ये उबले हुए आलू डाल दूंगी। और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी मैं। और अब मैं इसे ढक के 1 मिनट के लिए पकने दूंगी। आइए चेक करते हैं हम सब्जी को। और ये सब्जी हमारी आलू मसाला बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया डाल दूंगी और गैस को मैं बंद कर दूंगी और आलू मसाला को एक बाउल के अंदर सर्व कर लूंगी मैं। और ये हमारा आलू मसाले की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।